हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र के नए टॉपिक लेकर। आप इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज का टॉपिक है बीए सेकेंड ईयर प्रथम प्रश्न के यूनिट फर्स्ट का। आज उसका नाम है निर्धनता। आज हम निर्धनता के विषय में चर्चा करेंगे। निर्धनता क्या है? निर्धनता वह गरीबी है जिसमें व्यक्ति अपनी तथा अपने आश्रित सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति धन के अभाव के कारण नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसके परिवार को जीवन की न्यूनतम आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा, मकान भी उपलब्ध नहीं हो पाता। दूसरे शब्दों में कहें तो समाज का वह व्यक्ति जो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास को पूरा करने में असमर्थ होता है वह गरीब कहा जाता है। निर्धनता की परिभाषा गिलिन एवं गिलिन के शब्दों में निर्धनता वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति अपर्याप्त आय या विचारहीन व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को इतना ऊंचा नहीं रख पाता जिससे उसकी शारीरिक एवं मानसिक कुशलता बनी रहे और वह तथा उसके आश्रित समाज के स्तर के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकें। गोडार्ड के अनुसार निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव या अपर्याप्त पूर्ति है जो एक व्यक्ति तथा उसके आश्रितों की स्वास्थ्य और कुशलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम उपभोग को गरीब माना गया है। रंगराजन समिति जिसमें उपभोग खर्च को गरीब का आधार माना गया, उनके अनुसार 2011-12 में भारत में कुल 363 मिलियन लोग गरीब हैं जो भारत की कुल आबादी का 29.6% हैं, जबकि सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में गरीबी 21.9% है। रंगराजन समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 47 रुपये प्रति व्यक्ति उपभोग को गरीबी रेखा निर्धारित किया था, अर्थात इससे कम उपभोग करने वाला व्यक्ति गरीब है, जो औसत मासिक रूप में ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति है। सापेक्ष एवं निरपेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष रूप से उन लोगों को गरीब कहा जाता है जिनको निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकता जैसे भोजन, वस्त्र तथा आवास भी प्राप्त नहीं हो पाता। सापेक्ष निर्धनता का तात्पर्य एक व्यक्ति के पास सापेक्षित रूप से दूसरे व्यक्तियों से कम धन एवं संपदा होने से है, जैसे निम्न वर्ग मध्यम वर्ग से एवं मध्यम वर्ग उच्च वर्ग से सापेक्षिक रूप से निर्धन है। भारत में निर्धनता के कारण किस कारण हमारे भारत में निर्धनता इतनी ज़्यादा है? पहला, अधिक जनसंख्या। उत्पादन एवं रोजगार के अवसर की तुलना में जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है, अतः कुछ लोगों को बेरोजगार रहना पड़ता है जो गरीबी के रूप में सामने आता है। दूसरा, जाति प्रथा। जाति प्रथा के कारण व्यवसाय जन्म के आधार पर निर्धारित हो जाता है जिससे योग्य होने के बावजूद दूसरा कार्य करना संभव नहीं हो पाता या अन्य कार्य करना परिस्थिति के प्रतिकूल माना जाता है। तीसरा, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। देश की लगभग 80% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है जो कृषि पर निर्भर है। कृषि उत्पादन संयुक्त परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होता। ऐसे में प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा,
बाढ़ स्थिति को दयनीय कर देता है। कालाबाजारी, किसानों का उत्पादन बिचौलियों के हाथों में जाने से उन्हें अनाज का उचित दाम नहीं मिल पाता। पांचवा, अज्ञानता एवं अंधविश्वास। कुछ व्यक्ति गरीबी को ईश्वर का दंड समझते हैं एवं वह कोई प्रयास नहीं करते, साथ ही धर्म कांडों में अपना संचित धन भी खर्च कर देते हैं। छठवां, बेरोजगारी। व्यक्ति कार्य करने के योग्य है, फिर भी उसे कार्य नहीं मिलता, जिससे वह निर्धन बना रहता है। सातवां, कृषि क्षेत्र का तकनीकी पिछड़ापन गरीबी का मुख्य कारण है। आठवां, प्रतिकूल जलवायु। कुछ स्थानों पर बहुत बर्फ पड़ती है, कुछ जगह रेगिस्तान या पहाड़ हैं। ऐसे स्थानों पर उत्पादन बहुत कम होता है एवं रोजगार भी नहीं मिल पाता। निर्धनता के दुष्प्रभाव या समस्या। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार निर्धनता कहीं भी सर्वत्र उन्नति के लिए खतरनाक होती है। निर्धनता के दुष्प्रभाव को निम्न बिंदुओं में देखा जा सकता है, जैसे पहला, जीवन की समस्या। निर्धनता से ग्रस्त व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक जीवन अवरुद्ध हो जाता है। अभाव व चिंता में व्यक्ति उचित अनुचित, पाप पुण्य आदि के बीच भेदभाव करने में असमर्थ हो जाता है। दूसरा, स्वास्थ्य संबंधी समस्या। निर्धनता के कारण व्यक्ति को समुचित भोजन का अभाव, कुपोषण, आवास की दयनीय दशा का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण अशक्तता, बीमारी, विकलांगता, अकाल मृत्यु आदि बातें आम हो जाती है। महामारी जैसे चिकनगुनिया, डेंगू आदि अधिकांशतः निर्धन व्यक्ति को ही होता है। तीसरा, भिक्षावृत्ति। निर्धन व्यक्ति को जब आय का कोई अवसर नहीं मिलता है तो वह भीख मांगने को मजबूर हो जाता है। चौथा, बालश्रम। जिस परिवारों का मुखिया परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होता, उसके घर के बच्चों को भी कार्य करने को मजबूर होना पड़ता है। पांचवा, अपराध एवं वेश्यावृत्ति। निर्धनता के कारण कुछ व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए अपराध एवं वेश्यावृत्ति अपना लेते हैं, जिससे उनका नैतिक पतन हो जाता है। छठवां, पारिवारिक विघटन। निर्धनता के कारण घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े, मारपीट आदि सामान्य बात हो जाती है, जिससे तलाक, अनैतिक यौन संबंध आदि में लिप्त होने लगती हैं एवं परिवार विघटित होने लगता है। सातवां, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का दुष्चक्र। निर्धनता के कारण समाज में निम्न जीवन स्तर, आर्थिक एवं सामाजिक शोषण तथा संघर्ष की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो स्वयं भी निर्धनता उत्पन्न करती है। निर्धनता समाप्त करने के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयास। पहला, पंचवर्षीय योजनाएं। यह सन 1951 में शुरू किया गया, जिसमें समाज के हर क्षेत्र के विकास को समाहित किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में तो गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। दूसरा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। यह सन 1952 में शुरू किया गया। इसके अंतर्गत कृषि, पशु प्रबंधन, ग्रामीण और लघु उद्योगों का विकास, स्वास्थ्य तथा सामाजिक शिक्षा बेहतर करके बहुमुखी विकास पर जोर दिया गया था, परंतु इस योजना का लाभ धनी एवं शक्तिशाली ग्रामीण वर्गों को ही मिल पाया, जिससे इस योजना को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। तीसरा, पंचायती राज। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज की स्थापना हुई। 1993 में इसे संवैधानिक का दर्जा दिया गया। तब से लेकर आज तक यह ग्रामीण क्षेत्र में सफलतापूर्वक क्रियाशील है। चौथा, अन्य योजनाएं। सन 1970 के दशक में सामाजिक न्याय पर आधारित विकास को आदर्श माना गया एवं सीमांत किसान, कृषि मजदूर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम
जवाहर रोजगार योजना, स्वयं रोजगार प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए, जिससे गरीबी के प्रतिशत में कमी तो आई लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण कुल संख्या में निरंतर वृद्धि होती रहे। पांचवा, हरित क्रांति सन 1966-67 में शुरू की गई। इस क्रांति से देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, गरीबी में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार, ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार हुआ। इससे कृषकों की मानसिकता में नवाचार ग्रहण करने की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी। छठवां, मनरेगा, निर्धनता में कमी लाने के लिए फरवरी 2006 में इस योजना की शुरुआत की गई, जिसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई। निर्धनता को दूर करने के सुझाव, पहला, जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए। दूसरा, लोगों को अकादमी शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा दी जाए। भ्रष्टाचार पर शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जाए। चौथा, ग्रामीण विकास पर अत्यधिक जोर दिया जाए। पांचवा, युवाओं को रोजगार परक शिक्षा मुहैया कराई जाए। छठवां, स्वरोजगार के लिए माहौल बनाया जाए। सातवां, सामाजिक कुप्रथा जैसे दहेज प्रथा पर रोक लगाई जाए। आठवां, स्त्री शिक्षा पर रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे शुरुआत में हमने बताया था, तो आज का क्वेश्चन है, निर्धनता के मूल कारण क्या है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।